जुहू चौपाटी पर सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के बीच मुंबई मनपा के बीट मार्शल कर रहे भेदभाव, चुन चुन कर ही लोगों पर करते हैं कार्रवाई, बाकी कर देते हैं अनदेखी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारे एक व्यूअर है मोहम्मद हसन, इन्होंने आज जुहू चौपाटी से हमें कुछ वीडियोस भेजे हैं। खुद मोहम्मद हसन अपने कुछ लोगों के साथ जुहू चौपाटी गए हुए थे, उस वक्त उनके छोटे भाई शाकिब का मास्क जो है वो नाक से नीचे उतर गया था, तो बीएमसी के मार्शल ने उन्हें पकड़ा और कहा कि आपको फाइन भरना होगा। इनके बीच कुछ प्रतिवाद हो गया। प्रतिवाद इस तरह से हुआ कि मोहम्मद हसन का कहना था कि मास्क मुंह पे लगा हुआ है, सिर्फ नाक से नीचे खिसका है, तो उस पर आप फाइन कैसे ले सकते हैं। जबकि अन्य कई लोग जो है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग हैं, उनमें से कई सारे लोग हैं जो बगैर मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं और आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। इस बात का जवाब बीट मार्शल के पास नहीं था। बहरहाल उन्होंने जबरन शाकिब की 200 रुपए की बगैर मास्क पहनने की पर्ची, मुआवजे की फाड़ी, फाइन की और उन्हें वो पर्ची थमा दी। हम आपको मोहम्मद हसन द्वारा बनाए गए वीडियो बता रहे कि किस तरीके से जुहू चौपाटी का नजारा है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे परिवार हैं, इनमें कईयों ने मास्क पहना है तो उनसे दुगुना ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो सवाल यह उठता है कि फिर ये बीट मार्शल्स मुंबई मनपा के ऐसी भेदभाव वाली कार्रवाई क्यों?